टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को मात देकर साल 2022 की पहली जीत दर्ज की। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत को 6 विकेट से जीत मिली, लेकिन टीम इंडिया के नए कप्तान इस जीत से भी खुश नहीं हैं। मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं, साथ ही उनकी बैटिंग ऑर्डर पे भी हम दबाव बना सकते थे। मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मैं परफेक्ट गेम में विश्वास नहीं करता हूं। आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, हम हमेशा बेहतर होना चाहते हैं। वैसे सभी की ओर से बढ़िया किया गया, हमने सभी बॉक्स पर टिक किया है। हम बल्लेबाजी करते वक्त अच्छा फिनिश कर सकते थे, इतने ज्यादा विकेट नहीं गंवाने चाहिए थे। रोहित शर्मा बोले, हम बॉलिंग के वक्त भी उन पर दबाव बना सकते थे ताकि उनका लोअर ऑर्डर ज्यादा रन नहीं बनाता। हमारा मकसद एक टीम के तौर पर बेहतर होना है। अगर हमें कुछ अलग करना पड़ता है तो उसे भी करने की कोशिश करनी है। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ बदलना होगा। मैं सिर्फ प्लेयर से कहता हूं कि अपने आप को चैलेंज करें। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की कही गई ये बात आपको कितनी हद तक सही लगती है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।